खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। बिरहा कुमारी संस्था के नवनिर्मित शिव शक्ति भवन का गृह प्रवेश के कार्य हुआ संपन्न। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन समय बिहार स्टेट प्रभारी मुनाजिर के साथ जिला ब्यूरो आरजू अंसारी की रिपोर्ट। प्रजापति ब्राह्मण कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा के नवनिर्मित शिव शक्ति भवन का उद्घाटन व आध्यात्मिक प्रवचन एवं भव्य स्नेह मिलन समारोह का आयोजन शुक्रवार को सिंहेश्वर स्थान रमाड़ी टोला वार्ड 3 स्थित ब्राह्मण कुमारी संस्था के प्रांगण में किया गया। अध्यक्षता राजयोग सेवा केंद्र राजविराज क्षेत्र के मुख्य संचालिका राजयोगिनी भगवती दीदी ने की। शाखाओं में 10 वर्षों से अध्यात्म के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यकलापों व इसकी सार्थकता के बारे में संस्था की सीमावर्ती क्षेत्र प्रभारी राजयोगिनी रंजू दीदी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बिरहा कुमारी संस्था के द्वारा दिए जा रहे नैतिक शिक्षिकाओं एवं आध्यात्मिक शिक्षा से समाज में मानवीय मूल्यों का विकास होने को लेकर अपने अंदर दृढ़ संकल्प करके समाज को गिफ्ट स्वरूप जग्गा सचिन आनंद चौधरी और शिव शक्ति भवन का निर्माण करने में ज्यादा हद तक सहयोग शिव प्रसाद टेकरीवाल लगाया। सभी सहभागियों को सभी ने दिल और जान सीख और प्रेम से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजयोगिनी भगवती दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा, एक आदर्श समाज में नैतिक सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्य प्रचलित होते हैं। नैतिक मूल्यों का हमें सम्मान करना चाहिए। मूल्य शिक्षा द्वारा ही बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित सुख शांति भवन में देने वाली शिक्षिकाओं से मानव जीवन में कार्य कुशलता, व्यावसायिक दक्षता, बौद्धिक विकास एवं विभिन्न विषयों के साथ आपसी स्नेह, सत्यता, पवित्रता, अहिंसा, करुणा, दया इत्यादि मानवीय मूल्यों के पाठ सभी को पढ़ाए जाएंगे। नेपाल राजविराज से आए हुए ब्रहा कुमार दीपक भाई जी ने सभी को ब्राह्मण कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का परिचय दिया। मुख्य अतिथि विधायक माननीय चंद्रहास चौपाल जी ने अपने संबोधन देते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज के नर नारी एवं युवाओं को आध्यात्मिकता द्वारा ही नई दिशा मिलेगी। उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को आभार व्यक्त किया। ब्रह्मा कुमारी मधेपुरा एवं संस्था के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका राजयोगिनी रंजू दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा, समाज में जब अनेक विकृतियां पैदा होती हैं, तब स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा का अवतरण इस धरा पर होता है। नेपाल फतेहपुर से आई हुई नीरा दीदी जी ने बताया कि परमात्मा शिव ने ज्ञान का कलश माताएं बहनों को देखकर फिर से संसार में फैले हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि आसुरी संस्कारों को संहार कर इस सृष्टि में देव मानव बनाने का कार्य परमात्मा माताओं बहनों के द्वारा करा रहे हैं। स्थानीय सेवा केंद्र संचालिका कौशल्या दीदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्यों की नित्य शिक्षा से हम अपने कर्म इंद्रियों को संयमित कर व्यवहार में निखार ला सकते हैं। उस कार्यक्रम का संचालन ब्राह्मण कुमार किशोर भाई जी ने किया। मौके पर माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी, डॉक्टर सचिन आनंद चौधरी, शिव प्रसाद टेकरीवाल, ब्रह्मा कुमारी रंजू दीदी, बबीता दीदी, कौशल्या दीदी, व्यवसायिक दिलीप खंडवाल, अरविंद प्राण सूखा, डॉक्टर भूपेंद्र मधेपुरी, ओम प्रकाश यादव, निखिल कुमार, सुरेश वर्मा, अभिषेक, सियाराम बाबूजी, नवीन कुमार, अमरनाथ टेकरीवाल, मुकुटधारी चौधरी, नीरा दीदी, किशोर भाई, पूर्व प्रमुख विनय वर्धन, सुमित वर्मा, रामनगीना भगत, भूपेंद्र कुमार, संतोष कुमार इत्यादि सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। मेरे शरीर का नाम है रामनगीना प्रसाद भगत। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था। 2011 में मैं रिटायर कर गया। अब मैं उसके बाद से ही 2011 के बाद से ही बाबा का बच्चा बना और उनका सेवा कर रहा। अभी आप कहाँ आए? सिंहेश्वर में ऐसे तो बाबा पहले से ही मौजूद है, बाबा सुरेश्वर नाथ के नाम से। लेकिन बाबा जो अभी संदेश लेकर इस संगम युग में आए हैं कि हमारे बच्चे नैतिक बान बने, श्रेष्ठ बान बने, चरित्रवान बने, जिससे श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो और वो स्वर्णिम भारत जिसकी कल्पना बहुत पहले हमारे बुजुर्गों ने आज भी कर रहे हैं उसकी वही सार्थक। इसलिए बाबा का संदेश यहाँ सुनने के लिए एक भवन नहीं था। आज सिंहेश्वर वासियों को हम बधाई देते हैं अपने तरफ से
और ब्रह्मा कुमारी संस्था के तरफ से उन्होंने एक भवन का सबको मिलकर निर्माण किया, जहाँ बाबा का विचार, बाबा का संदेश, बाबा के महावाक्य सुन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और शुद्ध बनाए। इसके लिए जैसा क्या नाम है सर? किशोर।